तो हमारे इस चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, तो अभी हम सिर्फ इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्क्रीन दिख रही है सबको? नो सर, यस सर, अब दिख रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कैपलस फर्स्ट लॉ। अच्छा, कैपलस फर्स्ट लॉ क्या होता था, कुछ याद है? याद है किसी को क्या होता था कैपलस फर्स्ट लॉ? कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल भी। चलो देखते हैं। कैपलस फर्स्ट लॉ क्या बोलता था कि हर एक और जो प्लानेट है, हर एक प्लानेट जो अर्थ के ईच एंड एवरी प्लानेट मूव अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन, और सन कहाँ पे होता है? उसके एक फोकाई पे, यहाँ पे फोकाई पे प्रेजेंट होता है। फोकाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। लेकिन जो कैपलस का फर्स्ट लॉ था वो क्या बताया था, सिर्फ ऑर्बिट के बारे में बताया था कि किस टाइप की ऑर्बिट होती है जिसमें हमारे सारे के सारे प्लैनेट रोटेट करते हैं अराउंड द सन। क्लियर है बेटा? अब यस हम सर। देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअली में। इलिप्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि इलिप्स में क्या क्या वो होती है, क्योंकि हम इलिप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी। क्योंकि हमारी जो ऑर्बिट होती है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, तो हमें पता होना चाहिए किसको फोकाई बोलते हैं, किसको एपिहिलियन या पेरिजी, पेरिजी या एपिहिलियन, सॉरी एपिहिलियन एपोजी बोलते हैं या पेरिहिलियन पेरिजी बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। देखो जैसे सन हमारा यहाँ पर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? F1 फर्स्ट फोकाई और सेकेंड फोकाई। तो जो हमारा डिस्टेंस, जैसे मान लो सन हमारा यहाँ पे है और अर्थ हमारी यहाँ पे है, इसके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं आर। जो सन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है, जो ए है, सन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिहिलियन। पेरिहिलियन, अच्छा याद रखने के लिए, इसमें पी आ रहा है, पेरी मतलब पास, पेरी मतलब पास। पेरिहिलियन को हम पेरिजी भी बोलते हैं। और जो हमारा दूर पॉइंट होता है, सबसे दूर पॉइंट होता है, फारेस्ट पॉइंट, उसको हम बोलते हैं, जैसे पॉइंट बी, इसको हम बोलते हैं एपिहिलियन। क्या बोलते हैं इसको? एपिहिलियन या फिर एपोजी बोलते हैं। अब हमारा जो जो अर्थ है वो ऐसे रोटेट करता है, जैसे अर्थ यहां से स्टार्ट होगा और ऐसे घूम के, ऐसे घूम के, ऐसे 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 करके जाएगा। अब कहाँ पे स्पीड ज्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, ये अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ। तो ये थोड़ी सी टर्मोलॉजी क्लियर है इसकी। जो F1 और F2 है वो क्या है, फोकाई है, और ये R क्या है, आपकी डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन। ठीक है, ओ ए क्या है, जैसे ओ ए क्या है, हमारी सेमी मेजर एक्सेस, और ओ सी क्या है, हमारी सेमी माइनर एक्सेस। क्या बोलते हैं? सेमी माइनर एक्सेस। देखो दो एक्सेस होती है इसमें, सेमी मेजर एक्सेस और सेमी माइनर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस का मतलब है जो बड़ी एक्सिस होगी उसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, जो छोटी एक्सिस है उसको हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। जैसे ओ सी हमारी क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है, और ओ ए हमारी क्या है, सेमी मेजर एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद जो ई ए क्या है भाई, ई ए है हमारा, अच्छा ई को क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। यू क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी। ठीक है, ई ए के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, अच्छा ये एपोजी है, उसके बारे में लिखा हुआ है। तो ई ए क्या है हमारा, यहां से जैसे फर्स्ट फोकस से और जो हमारा सेंट्रल पॉइंट है उसके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। बेटा क्लियर है यहां तक? टर्मोलॉजी क्लियर है इसकी? सर, जो ओके यस सर। ओके, अब हम आते हैं कैपलस के सेकंड लॉ में। सेकंड लॉ में क्या बोलता है, इसे देख के कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ याद आ रहा है सेकंड लॉ क्या बोलता था? कुछ याद आ रहा है भाई? इससे कुछ याद आ रहा हो? कुछ भी याद नहीं आ रहा हो?
कैपलर सेकेंड लॉ क्या बोलता था कि जो एरियल डिस्टेंस है, कैपलर लॉ किसके बारे में बात करता था, एरियल डिस्टेंस के बारे में बात करता था कैपलर, कि जो हमारा प्लानेट होता है वो सेम टाइम इंटरवल में, जो हमारा टाइम इंटरवल होता है वो सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर, सॉरी सेम एरिया ट्रेवल करता है, सेम एरिया सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया ट्रेवल करता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे हमारा जब प्लानिट, मान लो चलो अभी थोड़ा सा एनिमेशन से बताते हैं, जैसे मान लो आपका प्लानिट था ई पे, ई से आ गया एफ पे, ई से एफ पे आ गया एक दिन में। सिमिलरली हमारा ए पे था, ए से चला गया बी पे, वो भी एक दिन में। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर हो। तो अच्छा एक बात, तो फिर अगर एरिया सेम है तो प्लानेट की स्पीड कहाँ पे ज्यादा होगी, ए बी के बीच में या ई एफ के बीच में, स्पीड प्लानेट की कब ज्यादा ए और होगी, बी ए और के बीच ए बी के बीच में स्पीड ज्यादा होगी या ई और एफ के बीच में ज्यादा होगी, ए बी के बीच में ए बी के बीच में बेटा स्पीड ज्यादा नहीं होगी। सोचो कि ए बी में एक दिन में कितना चल रहा है, वो ये वाली डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इतनी, और ई और एफ में एक दिन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, यहां से लेके यहां तक की। तो जब आप सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा और रखनी पड़ेगी ना, हेलो सर। है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, कम होगी, सबसे कम होगी ए और बी के बीच में, और सबसे ज्यादा होगी कहाँ पे, ई और एफ के बीच में। क्या मैं बोलूं कि पेरेजी पे या पेरिहिलियन पे सबसे ज्यादा स्पीड होती है प्लानिट की और एपिहिलियन पे सबसे कम स्पीड होती है प्लानिट की, क्या बोल सकता हूँ ऐसा, ऐसा बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को ऐसा बोलूंगा तो, नो सर। ठीक है ओके। तो हमने यही बताया कि इट इज ऑब्जर्व दैट ए एस ए ट्रायंगल एरिया ऑफ ए ए एस बी इक्वल टू होगा हमारा ट्रायंगल एरिया ऑफ ई एस एफ, ये बताया है इसने। अच्छा यहाँ पे अगर ये वाला ट्रायंगल है ना, इसका एरिया भी इस एरिया के बराबर ही होगा, अगर मान लो एक दिन में इतनी डिस्टेंस चला है तो यहां से अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाऊं तो इसका एरिया भी सेम होगा, मतलब एरियल डिस्टेंस हमेशा सेम चलता है, या फिर अगर हम बोल सकते हैं द लाइन ज्वाइनिंग द प्लानिट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। स्वीप का मतलब क्या होता है बेटा, स्वीप का मतलब झाड़ू लगाना, स्वीप का मतलब क्या होता है, झाड़ू लगाना, जैसे आप घर में झाड़ू लगाते हो ना इस तरह से उसको बोलते हो स्वीप। तो स्वीप एरिया जो होता है हर एक प्लानिट के लिए सेम टाइम इंटरवल में सेम होता है, तो जब आपका प्लानिट पास में होगा तो वो डिस्टेंस कम हो जाती है, पास में होता है तो उसको तेज चलना पड़ता है सेम एरिया स्वीप करने के लिए, और जब दूर होता है तो प्लानिट हमारा थोड़ा स्लो चलता है इसीलिए स्वीप एरिया थोड़ा कम होता है। बात समझ में आ रही है, स्वीप एरिया सेम रखने के लिए डिस्टेंस कम ट्रेवल करता है, क्लियर है बेटा सेकंड लॉ, यस ओके। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड लॉ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भाई प्रूफ कैसे होता है। तो जैसे हमने माना, अभी देखा था हमने कि एस सन यहाँ पे है, पी हमारा ये पॉइंट है और यहाँ पे कोई पी डैश पॉइंट, तो हमें क्या करना है, एरिया निकालना है इसका। देखो जरा पी पी डैश को देखो जरा, पी पी डैश, पी पी डैश क्या बता रहा है, पी पी डैश क्या हुआ, डिस्टेंस है भाई, डिस्टेंस है ना, सर वेलोसिटी इनटू, हमने मान लिया कि इस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी वी थी तो हमने वी डी टी कर दिया इसको। अच्छा इसको वी डी टी कर दिया, अब हम निकालना चाहते हैं कि पी पी डैश एम, यहां से हमने परपेंडिकुलर गिराया, जो ये वाला पॉइंट है ना पी डैश, यहां से हमने परपेंडिकुलर गिराया ऐसे करके 90 डिग्री पे, एम जहां पे हमने ट्रायंगल बनाया, पी एस पी एम, एस पी एम में से हमने पी डैश एम की वैल्यू निकाली, पी डैश एम की वैल्यू आई साइन पी पी डैश पी पी डैश, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, इधर साइन कंपोनेंट कॉस आएगा, देखो इधर आ जाएगा इसका कॉस कंपोनेंट और इधर आएगा साइन कंपोनेंट, तो क्या आएगा साइन 180 माइनस के थीटा, तो 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो पी पी डैश साइन थीटा आ गया। पी पी डैश हमने क्या निकाला था, पी पी डैश यहाँ से वी डी टी, वी डी टी निकाला है कि नहीं, सर बोलो वी डी टी निकाला है, और वी क्या है हमारा, वी क्या है, अरे इसका एक कंपोनेंट लेंगे तो वी साइन थीटा होगा कि नहीं,
वी साइन थीटा, वी की जगह पे हमने पुट कर दिया वी साइन थीटा इंटू डी टी, तो हमारा पी डैश एम आ गया यहां से। अगर अब हमें चाहिए क्या, एरिया चाहिए एक्चुअली में, डी ए एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सोन इन फिगर इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया, बेस इंटू हाइट, बेस क्या है यहाँ पे एस पी, यहां से लेके यहां तक का ये बेस हाइट क्या है पी डैश एम, पी डैश एम हाइट है। तो देखो एस पी क्या था हमारा, आर था कि नहीं था, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लानिट आर था, अरे आर था कि नहीं दिखाऊं अगर आर नहीं समझ में आ रहा तो। यस सर, आर था। और ये हमने पी डैश एम क्या निकाला है, पी डैश एम हमने निकाल लिया है वी साइन थीटा इंटू डी टी। तो वी साइन थीटा इंटू डी टी जब हमने डिफ्रेंशिएट किया इसको टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमारा आ गया वन बाई टू आर वी साइन थीटा। अच्छा डिफ्रेंशिएट नहीं, सॉरी डी ए है ना, इस डी टी को इधर ले आए, डिफरेंशिएट नहीं किया, इसको इधर ले आए डी ए के साथ नीचे। तो इसको हम बोलते हैं एरियल वेलोसिटी इक्वल टू डी ए बाई डी टी इक्वल टू हाफ आर वी साइन थीटा। बोलो चमका इतना, बोलो yes, sir. तो कैपलस सेकेंड लॉ एक्चुअली में क्या बोलता है, द कैपलस सेकेंड लॉ सोज दैट इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल, इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल द लाइन फ्रॉम द सन एंड प्लैनेट बी थ्रू एन एंगल डी थीटा एरिया स्वीप आउट इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो वही बोला जो अभी मैंने समझाया था कि किसी एक स्मॉल टाइम इंटरवल में एरिया जो स्वीप करेगा ना, जो एरिया स्वीप करेगा वो इक्वल करेगा। तो इसी का कंसेप्ट यूज करके हम मोमेंटम इक्वेशन लगा देते हैं, जैसे आर आर वी साइन थीटा इज द मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ आर क्रॉस वी। क्या आर साइन थीटा जो अगर मैं लिखूं आर क्रॉस वी लिखूं तो क्या होगा, आर वी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, अभी क्रॉस वेक्टर में साइन आता है कि नहीं। यस सर। तो आर आर क्रॉस वी इक्वल टू आर वी साइन थीटा, तो आर वी हमने लिख दिया आर आर वी साइन थीटा को आर क्रॉस वी मान दिया, विच इज वन अपॉन एम टाइम्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वन अपॉन एम क्या है भाई, एम कहां से आ गया इसमें, एम मतलब मास ऑफ द प्लैनेट, मास ऑफ द प्लैनेट। अब देखो मास ऑफ द प्लैनेट का वन अपॉन एम टाइम्स है, तो हमने लीनियर मोमेंटम देखा आर इंटू एम वी, आर इंटू एम वी। अब एम वी क्या होता है बेटा, एम वी क्या होता है, मोमेंटम, मोमेंटम यस। तो एक्चुअली में हमारे जो एंगुलर मोमेंटम एल क्या होता है, एल क्या होता है आर इंटू एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम मतलब आर इंटू एम वी, ये वाला फॉर्मूला लगाया, एंगुलर मोमेंटम वाला फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर, ठीक है भाई। अब हमने क्या किया डी ए ओवर डी टी, यहाँ पे डी ए ओवर डी टी में क्या किया वन अपॉन टू एम टाइम्स था ना, एम टाइम्स था, तो हमने एम का मल्टीप्लाई कर दिया और एम का डिवाइड कर दिया, एम का मल्टीप्लाई और एम का डिवाइड, तो हमारा आर इंटू एम वी, आर इंटू एम वी को क्या लिख दिया हमने एल लिख दिया, एल अपॉन 2m divided by, तो हमें यहां से पता चला कि dA by dt हमारा होता है L upon 2m जो कि हमेशा constant होता है, किसी भी time interval के लिए L upon 2m हमारा क्या होता है constant होता है। ये हमारा Newton's के Kepler's के second law से आया। बोलो चमका इतना सबको। Yes sir। Linear momentum को हम R into F भी बोलते हैं, linear momentum को, change in momentum को हम क्या बोलते थे, torque भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम हम टॉर्क बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला भी है, ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। ओके, अब ये क्रॉस वेक्टर वगैरह के बारे में लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करो भाई, अभी जो हमने क्वेश्चन बताया था, कंसेप्ट बताया था, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, करो भाई।
चलो भाई, आंसर नहीं आया किसी का भाई? आंसर नहीं आया? चलो ठीक है, मैं बताता हूं। देखो, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लैनेट इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द सन। अभी हमने देखा था स्पीड का कंसेप्ट। तो मान लो ये आपकी इलिप्टिकल ऑर्बिट है, एसी इज अ सेमी मेजर एक्सिस एंड एस बी इज परपेंडिकुलर टू एसी। मान लो ए यहाँ पे है, सेमी में सी यहाँ पे है, और ये कोई और है यहाँ पे, मान लो आपका सन है, एस है, ये हमारा बी दे रखा। अब उसने वेलोसिटी पूछी है, सन एस है शोन इन द फिगर। अच्छा, फिगर नहीं दिया है इसने, ठीक है। अब देखो, हमारा जो फोकाई है वो यहाँ पे है, फोकाई के पास ये कौन सा, पेरिहिलियन है एपिहिलियन है? पेरिहेलियम। पेरिहिलियन। और ये क्या है? एपिहिलियन। पेरिहिलियन पे था तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती थी कि नहीं? यस सर, यस सर। यहां पे वेलोसिटी सबसे कम होती थी, तो यहां पे ये भी क्लोज है, तो यहां पे एपिहिलियन से कम होगी, एपिहिलियन से कम होगी, लेकिन होगी तो सी से ज्यादा होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वी ए की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी और वी बी की उससे कम होगी और उससे कम वी सी की होगी? होगी कि नहीं बताओ। यस सर, जब मास ऑफ द प्लैनेट सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी? बोलो ये होगा कि नहीं बताओ। तो यस सर, बी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं कैपलस के थर्ड लॉ पर। कैपलस थर्ड लॉ क्या बोलता था भाई, आपको याद है? हमने ग्रेविटेशन में जब हमने टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट देखा था, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का फॉर्मूला देखा था, उस टाइम पे हमने टी स्क्वायर इक्वल टू कुछ देखा था। जैसे मान लो ये सन है, ये प्लानिट है, ऐसे चक्कर लगा रहा है, मान लो प्लानिट है। तो ये जो आर है ना, आर और टाइम पीरियड का एक रिलेशन होता है कि टी स्क्वायर इक्वल टू हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यू के। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू होता है। अब आर क्यू होता है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आर क्या है हमारी? आर इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जो है ना सेमी, ये मेजर है, सेमी मेजर है, मेजर तो ये वाली होती है, ये वाली। वैसे ये आर जो है ना, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लानेट है, ये वाली है आर, मैं ये बोल रहा हूँ। आर है आपकी डिस्टेंस बिटवीन, ये गलत लिखा हुआ है, सेमी मेजर एक्स ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, ये है हमारा, इज दी डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लानेट। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। तो जो थर्ड लॉ बोला था, उन्होंने बोला था कि जो टाइम पीरियड जो होगा ना, किसी भी प्लैनेट को सन के अराउंड चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू। यानी कि जो रेडियस ऑफ रोटेशन है, या फिर बोलूँ कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट है, उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां से आया हमारा एक्सप्लेनेशन, देखें जरा। हमने एक्सप्लेनेशन देखा, एक फॉर्मूला देखा था, हमने फॉर्मूला देखा था कैपलस थर्ड लॉ का। जैसे देखें कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा था कि नहीं? अरे टाइम पीरियड का फॉर्मूला अगर इसके लिए देखें तो कैपलस का फॉर्मूला यस आता है 2 पाई ए की पावर 3/2 अपॉन रूट में जी इंटू एम एस। एम एस मतलब, एम एस क्या है? मास ऑफ द सन। और ए क्या है? ये क्या है? ए ई था कि नहीं था? सेमी मेजर एक्सिस। सर, ए है आपकी सेमी मेजर एक्सिस, और एम एस क्या है? मास ऑफ द सन। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला ही बताएंगे, डेरिवेशन इसका नहीं बता सकते कहाँ से आया है, क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट था वहां से सेम रिलेशन आया था, वहां पर वहीं से हमारा ये फॉर्मूला आया है। तो जरा ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन से थोड़ा सा पता चलेगा आया कि नहीं, क्या हुआ। करो भाई क्वेश्चन।
दो ही बच्चों का आंसर आया है भाई, ओनली दो बच्चों का ही आंसर आया। चलो नेहा कुमारी बेटा, क्या ऑप्शन आया आपका आंसर? डी ऑप्शन, सर डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके, भुवनेश्वरी, सर डी ऑप्शन, प्रीति संधू, सर बी। बी ऑप्शन। ओके, जरा देखो भाई कि इसमें है, पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है भाई, ये देखो भाई क्या बोल रहा। सैटेलाइट ऑफ, सैटेलाइट ए ऑफ मास एम इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। कोई सैटेलाइट है, और सैटेलाइट ए ऑफ मास एम इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सरफेस, वहां से कितनी डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। एन अदर सैटेलाइट है जो कि बी है, वो उसका मास है 2m, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, हमारा जो टाइम पीरियड था किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? आर क्यूब के था कि नहीं? यस सर, नो सर, तो मास का इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो हमें टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि टी ए ओवर आर ए इक्वल टू होगा टी बी ओवर आर बी, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका क्यूब करो, इसका क्यूब करो, होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर, टी ए मान लेते हैं, टी ए ओवर टी बी पूछा है ना, तो टी ए ओवर टी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर ए ओवर आर बी का क्यूब। आर ए क्या है मेरा? आर है, वो क्या है? 2 आर है, इसका क्यूब यानी कि 1/2 का क्यूब कर दो। ठीक है भाई, क्यूब कर दें तो कितना हो गया 1/2 का क्यूब? 1/2 × 2 × 2 × 2, यही होगा। अब ये यस देखो, उस टी ए ओवर टी बी का स्क्वायर है, तो यहां से इसकी वजह से क्या आ जाएगा, इस पे अंडर रूट आ जाएगा, तो टी ए ओवर टी बी क्या हो जाएगा? 1/2√2 होगा कि नहीं होगा? बोलो। सर, है भाई, अरे स्क्वायर रूट यस लगाएंगे तो दो दो टू में से एक टू बाहर आ गया, एक टू अंदर रह गया अंडर रूट के, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 1/√2, यानी कि ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको। भाई यस सर, ठीक है, अब जरा ये क्वेश्चन करो, 2019 का आया हुआ है, ये क्वेश्चन करो।
आया किसी का आंसर? सर कर रहे हैं। करो करो जल्दी जल्दी करो, टाइम ज्यादा मत लगाओ।
आया क्या आंसर किसी का? ये आंसर आ रहा है, ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, देखो जरा कैसे होगा ये। द टाइम पीरियड ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर। टाइम पीरियड दे रखा है 24 आवर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, जो कि हाइट पे कितनी पे, अर्थ से 6 RE पे। अगर अर्थ के सरफेस से 6 RE हाइट पे है, ये वाली 6 RE है, और 1 RE ये भी तो है, तो कितना हो गया है भाई, कितना हो गया, 7 RE हो गया। ठीक है, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ एनोदर सेटेलाइट हुज हाइट इज 2.5 RE। ये कोई वन सेटेलाइट थी, कोई और सेटेलाइट है यहाँ पे जिसकी हाइट कितनी है, 2.5 RE। तो इसकी हाइट भी अर्थ से ये वाली होगी RE, ये वाली हाइट, तो इसकी टोटल हाइट यस यहां से लेके अर्थ के सेंटर तक कितनी हो जाएगी, 3.5 RE 3.5 होगी कि नहीं, बोलो। यस है, सर तो उसने पूछा है कि द टाइम पीरियड ऑफ एनोदर सैटेलाइट पूछा है उसने, टाइम पीरियड क्या होगा। तो देखो, तो क्या मैं बोल सकता हूं T1 स्क्वायर अपॉन R1 क्यू इक्वल टू T2 स्क्वायर अपॉन R2 क्यू, बोल सकता हूं कि नहीं, बोलो। यस यस ये हमारा सर T1 है, मान लो T1 दे रखा है 24 आवर, 24 का स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई R1 कितना है मेरा, 7 RE, 7 RE का क्यू इक्वल टू T2 हमें निकालना है, T2 का स्क्वायर निकालना है, और R2 क्या है, R2 है हमारा 3.5 RE, 3.5 RE का स्क्वायर, तो हमारा क्या आएगा, T2 स्क्वायर आ जाएगा 24 का स्क्वायर इंटू 3.5 RE का स्क्वायर क्यूब क्यू सॉरी आएगा क्यू डिवाइडेड बाई 7 RE का, 7.5 सॉरी 7, ये 6 है ना, 6, हाँ ठीक है, 7 RE होगा, ठीक है 7 RE का क्यूब। तो RE से क्या RE कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, सर बोलो। अब T2 चाहिए मेरे को, तो क्या अंडर रूट में आ जाएंगे ये सारी चीजें, अंडर रूट में आ जाएंगे तो क्या होगा, 24 तो बाहर आ जाएगा, यहां से 3.5 का क्यूब था, तो 3.5 भी बाहर आ जाएगा, आएगा 3.5 डिवाइडेड बाई यस सर 7 भी बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट में बचेगा कितना, 3.5 डिवाइडेड बाई 7 बचेगा, बोलो। यस सर ये समझ में आया कैसे हुआ है यस सर भाई, ओके। तो अब इतना सॉल्व करने के बाद में हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा, जैसे बोल दूं कि T2 इक्वल टू आएगा 6√2 आवर, इसको जो सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 6√2 आवर्स, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका सबको कैसे हुआ है, यस ओके। अब जरा ये क्वेश्चन और करो लास्ट, उसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, ये क्वेश्चन और करो।
चलो ठीक है, ये क्वेश्चन। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट याद है क्या फॉर्मूला था? वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट का क्या था फॉर्मूला? अंडर अंडर रूट रूट में जीआर। जी एम ओवर आर था, ये था फॉर्मूला। यस सर। बोलो। यस सर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अपन को पता है तो अपन टाइम पीरियड का फॉर्मूला कैसे निकालते थे? 2 पाई आर ओवर वी, ये था फॉर्मूला टाइम पीरियड का निकालने का तरीका, यस सर। था कि नहीं? तो यहां से हम क्या करें, दोनों साइड स्क्वायर कर दें क्या, कि टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो वी की वैल्यू यहां से रखें, वी स्क्वायर रखेंगे तो क्या अंडर रूट हट जाएगा? बोलो। 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम ओवर आर। तो ये आर ऊपर चला गया, क्या आ गया? 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। क्या टाइम पीरियड के स्क्वायर का फॉर्मूला ये आ गया? कोई दिक्कत किसी को? बोलो नो सर। भाई। अब हमें एक इक्वेशन दे रखी है, ये देखो, माना कि इक्वेशन वन है, एक और इक्वेशन दे रखी है टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यू इक्वेशन टू। अब देखो ये भी टी स्क्वायर है, ये भी टी स्क्वायर है, इक्वेट इक्वेशन वन एंड टू, दोनों को इक्वेट कर दो तो के आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर आर क्यू डिवाइडेड बाई जी एम। तो देखो आर क्यू से आर क्यू कट गया, हमें पूछा क्या है, इसने पूछा है द रिलेशन बिटवीन जी एंड के। तो देखो जी एम और के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर। क्या यही है रिलेशन आ गया? बोलो आया कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, यस सर। बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चैप्टर एंड हो गया इस टाइम पे, ये चैप्टर एंड हो चुका है। ठीक है, बाय।